अरे पता नहीं कहाँ से नहीं आएंगे काले भैया जी, हैं हैं डर से नहीं बजा रहे क्या? संग लगे कर हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर क्या बोला है आपको? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग क्या बोलेंगे? एक जोर से क्या बोलेंगे? और जोर से, तो सभी लोग एक बार हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाकर बोल रहे हैं आपको, ताली बजाकर बोल रहे हैं, ध्यान से बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी वृंदावन में आकर के हो गए युवती, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए। इतने में श्री नारद जी, श्री भक्ति देवी कहती है, बोले नारद जी अभी ऐसे कुछ उपाय करो जैसे मेरे बच्चे जवान बन जाए। नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की स्मरण से ही सब दूर हो जाएगी। नारद जी उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद सारी जोर जोर करके बोले, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब भगवत गीता सुनाए, थोड़ी सी आंख तो खोले, और जब किता समाप्त हो गया, फिर धराम करके गिरे। नारद जी तो आश्चर्य हो गए, कभी गीता साक्षात भगवान की मुखनिसृत ये वाणी है। फिर नारद जी सर्वत्र सबको जा जाकर पूछे, लेकिन उनका प्रश्न का कोई समाधान नहीं कर पाए। लेकिन जब चतुसेन से मिले, बोले क्यों नारद जी अब क्या भूल गए हो? जब व्यास थे सारे ग्रंथ रचना करके भी उनको शांति नहीं मिली, आप तो बताया था भागवत ग्रंथ रचना करो, इनको ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रवण कराओ। बोले कहाँ पर सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में। कहाँ पर सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में, ये आनंद नामक क्षेत्र में। बोले क्यों? बहुत सारे स्थान था, ये हरिद्वार में क्यों सुनाए? इसका रहस्य बताए, जैसे दिल्ली में दिया जलाने पर ये घर को भी प्रकाश करता है और बाहर को भी प्रकाश करता है, ऐसे एक जगह पर कथा हो जैसे सबका लाभ हो, इसलिए ये हरिद्वार में एक तरफ में उत्तरांचल जहाँ अब निवास करते हो। उत्तरांचल में कौन रहते थे? केवल साधु संत का निवास था। और उत्तर प्रदेश में कौन? बोले घर गृहस्थी। बोले ऐसे एक जगह में कथा हो जिसका लाभ घर गृहस्थ भी उठा सके और जिसका लाभ ऋषि मुनि लोग भी उठा सके। ये कथा सर्वत्र प्रचार हो गया। देखो ये कथा सुनने के लिए कौन कौन आते हैं? केवल आप और हम नहीं, ये कथा सुनने के लिए पहले तो ये वैष्णव लोग दौड़ दौड़ करके आए। क्यों? कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये वैष्णव का धन है। कहते स्वर्ग से देवता लोग भी आए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती वो भी आए, अयोध्या द्वारका मथुरा माया सबके सब आए, चारी धाम आए, और जितने सारे वन भी आए, और जो नहीं आए, वशिष्ठ जी घर घर में गए। बोले देखो चतुसन ये कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से कहीं कथा सुनने को मिलता है।
चलो सबके सब कथा सुनने के लिए चले। मतलब वो कथा में सारा दुनिया कथा सुनने के लिए आए। जब श्री चतुष्ण कथा सुनाने के लिए गए, देखो कथा की क्या लाभ है। स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के वहां का पुष्पों की बौछार की, शंख बजाए, नागड़ा बजाए और श्रीमद् भागवत कथा की जयकार दिए हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। हाँ, इसका तात्पर्य क्या है? जहाँ पर ये भागवत कथा होती है, आप ये मत समझिए केवल यहाँ पर आप बैठे नहीं, जितने ऋषि मुनि देवता भी कथा सुनते हैं। कई एक बार कथा आती है, कई एक साधु कहीं कथा सुनने के लिए गए, देखा वो घर में ऐसे लोग बैठे हुए, सर सभी फिंगों के नीचे नहीं गिरेगा, इतने लोग बैठे हुए। बोले कौन बैठे हुए थे? वो संत देख रहे थे, जितने देवा देवी ऋषि मुनि सबके सब गुप्त रूप में उनको जहां जहां स्थान मिली वहीं पर बैठे करके सारे देवता देवी ऋषि मुनि सबके सब कथा सुन रहे थे। और जहां ये भागवत कथा हो, स्वर्ग का देवता लोग भी प्रसन्न होकर के वो भी जयकार भागवत कथा के देते हैं। इतने महिमा और वो स्थान कैसे है? बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। देखो ये कथा सुनने का क्या लाभ है। अगर किसकी मन में इच्छा हो, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में स्नान करें, आप बताओ संभव है कि नहीं? वो असंभव है। इतना तीर्थ है पृथ्वी में, अभी तक भी प्रकाशित नहीं हुए, इतने तीर्थ है। केवल भारत में नहीं, विदेश में भी तीर्थ है। मैं कभी मॉरीशस गया था, वहां भी देखा गंदा है। हम रशिया क्यों कहते हैं? बोले वो था ऋषि मुनि का देश रशिया, मस्को जहां पर मुक्ति का स्थान। पहले ये संपूर्ण पृथ्वी एक था। इतना तीर्थ है, चाहने पर भी सारे तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते हो, अरब खरब रुपया खर्चा करने पर भी। लेकिन सुतो गोस्वामी एक अच्छी का बात कहते हैं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं। बोले कहां पर? बोले जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहां भगवान की कथा हो रही है, जहां भागवत कथा हो रही है, आप कथा नहीं सुन रहे हो, बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके नहा रहे हो। अब उससे भी ज्यादा लाभ है। बोले क्या लाभ है? तीर्थ में जाओगे, घूम घाम करके आओगे, सारे तीर्थ में नहा करके आ जा, फिर क्या करोगे? घर में आकर के पहले जो पाप कर्म कर रहे थे ना, फिर दोबारा शुरू कर दो, वही फिर करना कर दोगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में अगर नहा लोगे ना, वो हृदय से परिवर्तन होता है, बाहर से नहीं, वो हृदय से परिवर्तन हो जाएगा। आप स्वयं देखोगे 7 दिन के बाद में आप जिस रूप में ना, आप इसी रूप में नहीं रहोगे, इसी रूप में नहीं रहेगा, आपका हृदय प्रभु की भक्ति में लग जाएगा, प्रभु की प्रेम में लग जाएगी आपका जीवन, प्रभु की भजन में जीवन लग जाएगा। इतने महत्व है। इसलिए चतुष्ण ने जब कथा की, उसी समय में वैकुंठ से साक्षात गोलोक वृंदावन से श्री प्रिया प्रियतम उतर करके आ गए। वहां पर अर्जुन जी प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हुए, वहां पर श्री नारद जी प्रकट हुए और सबके सब बड़े सुंदर रूप में कीर्तन हो रही थी और नारद जी वीणा बजा रहे थे और श्री अर्जुन जी पखवाज बजा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में नृत्य कर रहे थे और सबके सब प्रभु का कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि कथा के प्रभाव से जितने लोग थे सबके सब मुक्त हो गए। बोले
लोगों का बात छोड़ दो, वहां पर जितने कीड़े मकुड़े पशु पक्षी थे ना, ये भागवत कथा से उनको भी भगवत गति प्राप्त हुई। इसको देख करके श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। वो प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, उसको किसी तरह से मुक्ति नहीं मिलती है, उसको उद्धार होगा कि नहीं? बोले जब भगवत भक्ति प्राप्त करके वैकुंठ गोलोक वृंदावन चले गए, भूत जन्म से प्राप्त मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाई, कैसे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहते थे, घर में सारे सुख थी, लेकिन घर में एक चीज की कमी, घर में कोई संतान नहीं, बड़ा दुखी है। हाँ देखो, ध्यान देकर सुना। देखो बच्चों को अब मना नहीं कर सकता हूँ, एक एक बच्चों को अलग कर दो उनको, ये बच्चे किसके बच्चे हैं, अपना बच्चों को ये करना, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जब आओ ना, ये बच्चों को मत लाओ, ठीक है? ये बच्चों को अलग बैठा दो ना, वहां पर किसी लिए बैठो, ये बच्चों को वहां से अलग कर दो बच्चों को। हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए देखो, वो जो आत्मदेव था है, आत्मदेव था, घर में तो बहुत पैसा थी, लेकिन एक पैसा भी कहीं अच्छे काम में, किसी दान पुण्य में, भगवत सेवा में नहीं लगाया करता था। इसलिए पैसा आने पर भी कहते, पैसा कौन है, ध्यान देकर सुनो, पैसा ये लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी किसकी है, ये नारायण की है, लक्ष्मी हमारी नहीं। अगर आप लक्ष्मी को भोग करना चाहोगे ना, वो लक्ष्मी कभी घर में सुख नहीं दे, वो कभी शांति सुख नहीं दे। क्यों? लक्ष्मी वो आपके है ही नहीं, लक्ष्मी तो नारायण की है। अगर लक्ष्मी अगर प्रभु को सेवा में लगती है ना, फिर तो घर में शांति सुख घर लक्ष्मी देती है। अब इतनी सी बात समझ लो, हैं, इतनी सी बात। इसलिए लक्ष्मी को हम भोग नहीं कर सकते हैं, वो भगवान की है। इसलिए पैसा तो बहुत थी, लेकिन घर में शांति सुख घर में है नहीं, घर में कोई बच्चा नहीं, इसलिए बड़ा दुखी। फिर उसकी पत्नी का नाम धुंधली, धुंधली मतलब क्या, अंधकार, अज्ञान है। इसलिए देखना, इसी संसार में कभी कभी होता है, पति तो कभी कभी आत्मदेव होता है, आत्मदेव मतलब जिनको प्रभु की भक्ति में बड़ी रुचि, लेकिन कभी कभी पत्नी कैसे होती है, धुंधली, अज्ञान है। पति अगर भजन करे, पत्नी भजन नहीं करती है, कभी पत्नी अगर भजन करे, पति भी धुंधला हो जाता है, पति कभी भजन नहीं करता है। लेकिन भगवत इच्छा से ही कहीं कहीं होता है, पत्नी भी बड़ी भक्तिमती मिलती है, पति भी बड़े भजन करने वाले, ये ठाकुर की बड़ी कृपा हो, तभी दोनों पति पत्नी जब एक लाइन में चलते हैं ना, फिर घर नहीं, फिर घर तो प्रभु का वैकुंठ बन जाता है। जिस घर में प्रभु का भजन भक्ति हो, वो घर नहीं, वो भगवान की धाम बन जाता है। अभी उसने एक दिन इतना दुखी हुआ, क्योंकि घर में कोई गैया लाए बांझ हो जाए, कोई पेड़ लगाए पेड़ में फल नहीं आए, पूर्वजों को कुछ प्रदान करे, पूर्वज लोग ऐसे लेते हैं जैसे कोई गरीबी चीज उनको दे रहे हैं। एक दिन वो दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए गया। जब भगवान किसी जीव को पर कृपा करते हैं, संत नहीं तो ब्राह्मण रूप में ठाकुर जी आते हैं, मानो आज स्वयं ठाकुर जी संत रूप धारण करते हुए आए। बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे ऐसे स्थिति है, घर में संतान नहीं। बोले तुमने सगर महाराज का नाम सुने हो? बोले हाँ। बोले बताओ तो कितने बच्चे थे? बोले 10,000 बच्चे थे, शांति मिली है? बोले चित्रगुप्त चित्रकेतु का नाम सुने? बोले हाँ। बोले कितने पत्नी थे? बोले 1 करोड़। 1 करोड़ पत्नी के बाद में पत्नी को बच्चे नहीं है, एक बच्चा हो, एक बच्चा के लिए करोड़ शादी उसने की। बच्चा हुआ तो हर्ष शोक पूर्ण हुआ, जन्म हुआ तो बड़ा आनंद मिला, लेकिन उसके दूसरे हाँ सौतनी लोग उनको जहर पिला कर खत्म कर दी। बोले सुख मिला है बेटा? बच्चे से सुखी नहीं होते हैं बेटा, सुखी होते हैं प्रभु के भजन से होते हैं। अगर भगवान नहीं दिया संतान, कोई चिंता मत करो, चिंता नहीं, भगवान को ही अपना बच्चा मान लो, ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, फिर तो भगवान जैसे बच्चे कभी होएंगे बेटा। इसलिए बेटा भगवान को अपना बेटा मानकर भक्ति करो। बोले नहीं, हमें ऐसे सुखा जीवन नहीं चाहिए, जहां पर बीवी नहीं, जहां पर बच्चे नहीं, हर को ऐसे संसार नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बोले देखो, एक जन्म क्यों, मैं देख रहा हूँ तेरे ललाट को,
तुम्हारी सात जन्म तक भी घर में संतान नहीं होने वाली। बोले हे भगवान, एक जीवन में संतान नहीं, इतना दुख, सात जन्म तक संतान नहीं। खैर तो उनको चरणों पकड़ लिए। जब आप ये बात बता सकते हो, आप मुझे संतान दे भी सकते हो। बोले क्यों? बोले जो ना करे लकड़ी वो सो करे फकरी। समझ रहे ना? लकड़ी मतलब होता है भाग्य। अगर हमारे भाग्य में नहीं, फकरी मतलब होता है संत। संतों को वाणी में इतने शक्ति होता है। अगर सही सही कोई संत हो, अगर कोई बात बोल देता है ना, ब्रह्मा जो ललाट में लिखे हैं उनका मिटाना पड़ता है, क्योंकि संतों का वाणी है। उनका चरण पकड़ लिए, इतने में उन्होंने एक पेड़ से फल लेकर के बोले लो ये फल को पत्नी को खिला देना। बोलना झूठ नहीं बोले है, गीता भागवत पढ़े, भगवान की भक्ति करे, बड़ा सुंदर बच्चा जन्म लेगा। देखो माताएं सुने ध्यान देकर के, गर्भ में जब बच्चा होता है ना, माताओं को गंदी उल्टा पुल्टा फिल्म नहीं देखनी चाहिए। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। अगर गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की भक्ति करो ना, आप देखोगे इतना सुंदर बच्चा जन्म लेगा, जिंदगी भर आपकी सेवा पूजा करेंगे। आप महाभारत सुने होंगे, रामायण सुने होंगे, माँ सीता जब गर्भवती थी, एक दिन भगवान राम सारे साधु संतों को बुलाए। बोले सीते तुमको पता है आज ये साधु संत क्यों बुलाए, सत्संग क्यों होगी? बोले क्यों? बोले तुम्हारी गर्भ में बच्चा है। इसी समय अगर तुम भगवान की कथा सुनोगे, बच्चे संस्कारी बन करके जन्म लेंगे। और कौन जन्म हुए मैया सीता की गर्भ से? लव और कुश जन्म हुए। अब देखे होंगे लव कुश कितने प्रतापी, कैसे रामायण भगवान राम को राम कथा सुनाई, जिसको सुन करके दुनिया दंग रह गई। गर्भ में बच्चे रहते समय अगर उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे, फिर बच्चा जन्म से ही डाकू बन कर आएगा। अब देखना कोई कोई बच्चा होता है बड़ा आज्ञाकारी, अब कोई कोई बच्चा इतने उद्यमी होते हैं, पिता माता का बात नहीं सुनते हैं। पिता माता की क्यों नहीं सुनते हैं? ये माताओं का दोष है। इसलिए ये चीज को ध्यान रखना। इसलिए वो संत कह रहे हैं, देखो गर्भ में बच्चे रहते समय गीता भागवत रामायण पढ़ने के लिए बताना। अभी ब्राह्मण तो बड़ा खुश होकर आया, पत्नी को फल दिया, लेकिन उसका नाम क्या है? बोले धुंधुली, वो अज्ञानी है, वो संत का फल को कैसे ग्रहण कर सकती है? इतने में उसकी सहेली आ गई। बोले क्या बात है? बोले ये पंडित जी को किसने फल दिया? बोले ये फल खाओ तो गर्भ धारण करोगी। पुरुषों को क्या पता है गर्भ धारण करने पर माताओं को क्या कष्ट है? अच्छे अच्छे चीज खा नहीं सकते, कोई डाकू आ गए तो भाग नहीं पाऊंगी, फिर प्रसव पीड़ा, बच्चों को लालन पालन, इनको क्या पता है? और हमने सुना सुखदेव गोस्वामी वो 16 साल तक माँ की पेट में थे, अगर ऐसे हो गया तो इतने दुखी हो गई, उसने कहा तू चिंता क्यों करते हो, तेरे पति को पास में पैसा नहीं, मेरे पति को तेरे पति को पास में ज्यादा पैसा है, कुछ पैसा मेरे पति को दे दे और तू पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो और इसको गैया को खिला दो, ये सही ना झूठा संत ने बताया प्रमाण हो जाएगी, और मेरे घर में जब बच्चा होगा छुपा कर मैं दे जाऊंगी। उसने पूरा ऐसे की, संतों को साथ में उसने धोखे दी। इतने में जब उसकी घर में बच्चा हुई, उसने छुपा करके दे गई, ये तो बड़ी खुश हुई। पंडित को पता चला तो पंडित खूब नाचे कूदे, हाँ लाला भयो है लाला भयो है, लेकिन ये भगवान की देन है। जब तक बच्चा नहीं होता है ना, माता का स्तन से दूध नहीं उतरती, इसका तो बच्चा है ही नहीं, स्तन सूखा पड़ा हुआ। उसने पंडित जी को बताए, बोले तुम तो यहाँ नाच रहे हो, मेरे स्तन से दूध नहीं उतर रही है। बोले भैया मेरे को क्या पता है? बोले मैंने सुना है मेरी सहेली के घर में भी बच्चा हुई है, मैं उसको बुला करके ले आऊं। बोले कोई बात नहीं, अभी जिसकी बच्चा वही आकर के लालन पालन कर रही है। जो गैया अभी तक भी संतान नहीं था वो संतों का फल है, वो तो कभी नष्ट होगा नहीं। वो गैया गर्भ धारण की, इतना सुंदर बच्चा उसने दिया, केवल कान गैया जैसे और शरीर राजकुमार जैसे अपूर्व सुंदर है, सारा दुनिया देखने के लिए आए। बोले ठाकुर जब देते नहीं जब देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं ठाकुर जी, सारा दुनिया आए। अभी दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, एक होता है नाम करना संस्कार। देखो ध्यान देकर कुछ यहां से लेकर के जाना, ऐसे नहीं बच्चा का नाम मन में जो आए टुल्लू बुल्लू टिक्की पिक्की जो कुछ रख लो, नहीं ध्यान देकर सुनो।
ये जो ऋषि मुनियों ने जो विधि विधान देकर गए ना, ये एकदम साइंस है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े साइंस थे। इन लोगों ने जो जो नीति देकर गए हैं, हमारे जीवन कैसे सुखमय हो, शांति में बीते, प्रॉपर साइंस है। आप देखना बड़े बड़े न्यूटन और बड़े बड़े आइंस्टाइन, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। पहले पहले इन लोगों ने जो फिलोसफी बता कर गए ना, अभी का साइंटिस्ट कहते हैं उसको गलत बोल कर गए, वो साबित कर रहे हैं। इसलिए बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलते, क्यों? अमुक साइंटिस्ट ने ये बता कर गया, दूसरा साइंटिस्ट आकर उसको सारे फिलोसफी को काट दिया। इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलती है। लेकिन आप ये बताओ, हमारे रामायण बदला है, हमारे भागवत बदली है, वेद का कोई अक्षर बदला है, गीता का कोई अक्षर इसने बदलाया है? बोले नहीं, क्योंकि इन लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि लोगों ने, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने जो चीज को दर्शन करते हुए, भगवत दर्शन करते हुए, शुद्ध इंद्रियों को में जो ज्ञान प्रकट हुई, वो चीज को लिख कर गए। इसलिए ये ग्रंथ कभी बदले नहीं, इसलिए इस प्रॉपर साइंस है। देखो आप लोगों को पता होगा, जब लड़का लड़की की शादी होती है ना, हम जन्म पत्र मिलाते हैं ना, क्यों मिलाते हैं? कारण क्या? ये दोनों शांति सुख में रहे, शांति सुख में रहे। अभी भारत में इतना डाइवोर्स क्यों होता है? 50% डाइवोर्स। यहाँ तो आप तो अच्छे हैं, थोड़ा इधर माहौल थोड़ा अच्छे है, जितना बड़े बड़े अभी 50% डाइवोर्स हो रहा है। कारण क्या? यही कारण है, लव मैरिज है। ये लव मैरिज करे, प्रेम कहाँ से? आई लव यू, बाद में होता है आई लीव यू, लास्ट में होता है आई किल यू, लास्ट में जाकर किल में जाकर पहुंचता है। ये लव मैरिज लास्ट में किल में जाकर पहुंचता है। इसलिए पहले ये सब थी नहीं। पहले बड़े बूढ़ों को पूछो, वो कभी लड़की को शादी करने के लिए कभी देखने के लिए गई नहीं। पिता माता ने, जहां पर पिता माता ने देख करके बोल दिया, वहीं पर आंख बंद करके वहीं पर कर लेते, और जन्म पत्री को मिला करके अच्छे तरह से, तभी वो डाइवोर्स नहीं होता था। ये डाइवोर्स नहीं होता था। अभी अपना मन मर्जी की शादी कर रहे हैं, शास्त्र को उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, इसलिए इतना गड़बड़ी सबके सब हो रही है। इसलिए ये जन्म पत्री क्यों मिलाते हैं? कारण है, वो जिस नक्षत्र को लेकर वो जन्म लेता है, वो नक्षत्र को लेकर के पंडित लोग एक अक्षर निकालते हैं, वो अक्षर को पहले रख करके कोई नाम करते हैं। और नाम कैसे? ऐसे नहीं, टुल्लू बुल्लू टिंकी टिंकी, सब विदेश में सब कुत्तों का नाम है सबके सब, ऐसे नहीं। नाम रखनी चाहिए भगवान, नहीं तो उनका भक्तों का नाम रखो। ये कथा हम आगे जाकर के सुनेंगे, अजामिल कैसे बेटा का नाम नारायण रखा, और नारायण करते करते कैसे उसको भगवत प्राप्ति हो गई है। इसलिए जितने बड़े बड़ों को पूछो, सब भगवान का नाम होगा। लेकिन अभी जितने बच्चों का नाम देखो, बोले नहीं ये तो पुराना जमाने का नाम था, कृष्ण गोविंद राम, अभी तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ना। इसलिए विदेश में जो कुत्तों का नाम बच्चों का नाम रखवाएंगे, भगवान का नाम नहीं रखवाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी और जो नाम करना, देखो कैसे पहले होता था, बच्चा कौन होता है? जो हमारी संस्कार को रखा करे, पिताजी की कुल का मर्यादा को रखा करे, वो होता है बच्चा, है ना। देखो पहले कैसे नाम होता था, पिताजी की नाम को मिला करके उसको पिता और उसको पिता, ये दोनों को एक नाम में नाम रहनी चाहिए। जैसे भगवान राम है, आप बताओ भगवान राम का पिताजी का नाम क्या था? बताओ भगवान राम जी की पिताजी का नाम क्या था? बोलो सबके सब, दशरथ। देखो पहले कैसे नाम रखते थे, दशरथ। ये जो र खेर है ना, वो दशरथ से ये र खेर लिया है। पहले रा, मा, कर दशरथ महाराज का पिताजी का नाम क्या था? अब बोल नहीं पाओगे, उसका नाम था अज। आज से वो अ खेर लिया है, इसलिए रा और मा हुआ। कृष्ण देखो, कृष्ण, कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था? नंद। स्ना ने जो ना खेर, वो नंद से ना लिया है। उनको पिताजी का नाम परिजन बाबा, इसलिए परिजन में वहां से जो क्री, जो री मात्रा, वो परिजन, वो रखकर वहां से लिया। इसलिए पहले जब नाम करने करते थे पिताजी की, पिताजी के नाम को लेकर, क्यों? बेटा ही पिताजी के संस्कार करता है, उनको पिंड प्रदान करता है, तभी पिंड उसको मिलता है। अगर दूसरा का बच्चा होगा ना, आपको पिंड देगा, पिंड आपको नहीं मिलेगी, पिंड आपको नहीं मिलेगी, बच्चा होनी चाहिए। हाँ? वही बच्चा ही पिता माता को संस्कार करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, वो धुंधली क्या की,
बोले नहीं, मैंने बच्चे को गर्भ में धारण की, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होनी चाहिए। उसने जोर जबरदस्ती नाम रख दी, मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब धूम धूम करती थी धुंधुकारी, जो जीवन को मचला दे, जीवन को दुखी दुखी कर दे। देखो दोनों बच्चे बड़े हुए, एक था संत का कृपा और एक संत को चीटिंग करना, कहते धुंधुकारी महाखल और गोकर्ण पंडित ज्ञानी। गोकर्ण महाज्ञानी पंडित बना और धुंधुकारी इतने दुष्ट बना, इतने दुष्ट बना उसने, किसी बच्चे को कुएं के पास में देख ढकल देख फेंक दे, घर में आग लगा दे, चोरी करे, कुत्तों को साथ में दिन भर रहे, शाम होते ही 10-15 शिकायत, तेरा बेटा ऐसे किया, तेरा बेटा ऐसे किया, तेरा बेटा ऐसे किया। आत्मदेव ने कहा संत सही बता रहे थे, बच्चे से सुखी नहीं रहोगे, सुखी रहोगे प्रभु की भजन से। देखो हम कभी कभी ये सोचते हैं बच्चा होगा ना तभी हम सुख में रहेंगे, हैं क्यों बच्चा बुढ़ापा अवस्था में बच्चा हमें देखेगा, हम ऐसे सोच क्यों लाए। ये सोच लाओ किसी की हमें सेवा लेने का जरूरत नहीं, चलते फिरते प्रभु का नाम लेते लेते हमारी जीवन का सदगति हो जाए, हमारे जीवन की सदगति हो जाए, किसकी सेवा हमें लेने का कोई जरूरत नहीं पड़े, ये भावना रखो, हमें ये भावना रखनी चाहिए। अभी बड़ा दुखी हो गया, एक दिन बच्चे ने बोले पिताजी पैसा दो, पिताजी हमें पैसा दो, शराब पीऊंगा, मांस खाऊंगा। एक दिन पिताजी को पिटाई की, पिताजी बड़े दुखी होकर के श्री गोकर्ण को पास में आया, और गोकर्ण ने इतना सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है, जो उपदेश को पा करके आत्मदेव का जीवन धन्य हो गया है। बोले पिताजी, बोले न चंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न। बोले पिताजी अब स्वर्ग का इंद्र को जाकर के मुझे सुखी है, कितना बार उसको सुअर होना पड़ा इंद्र को, कितना बार इतने गद्दी 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 हुई, जाकर के इंद्र को पूछो जाकर के, अगर यहाँ पर कोई तपस्या करना शुरू करता है ना पहले इंद्र का आसन हिलना शुरू करता है, अगर दैत्य लोग ताकत होना पहले उनको पर चढ़ाई करते हैं, कितना बार स्वर्ग से भगाए। बोले पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं और ये पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं। आप देखो महात्मा गांधी कैसे मरा है, गोली से। इंदिरा गांधी कैसे मरी है, गोली से। राजीव गांधी कैसे मिला, गोली से। इसलिए जिंदगी भर सोनिया गांधी आसन में बैठी नहीं तो मेरे को भी गोली नहीं मारी। इसलिए बोले पिताजी आप सोचते हो चक्रवर्ती राजा बन करके सुखी, नहीं पिताजी, जगत में एक व्यक्ति सुखी है, मुन्ने है एकांत जीवनम, जो प्रभु की भजन करता है, प्रभु की भक्ति करता है पिताजी, केवल वही सुखी है। इसलिए पिताजी अगर आप जीवन में सुख पाना चाहते हो, ये अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग दो, संतों की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो, भागवत कथा सुना, भागवत पढ़, इसी से ही आपको शांति मिलेगी। अभी गोकर्ण का उपदेश पा करके उनको ज्ञान की चक्कु खुल गई और वो चले गए, घर में रह गए बेटा और माँ। एक दिन मरिया को इतने पिटाई थी, बोले बताओ पिताजी ने कहाँ पैसा रख कर गए, निकालो पैसा। को इतने पिटाई की मैया दुखी होकर के आत्महत्या करती है। अभी उसने 6-6 वेश्याओं को घर में बुला करके लाए। अभी देखो हमारे पास में भी 6 वेश्या है, हमारे पास में भी 6 वेश्या, जानते हो कौन कौन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। हमारे पास में भी 6 वेश्या है, और चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, ये भी एक एक वेश्या ही है। वेश्या किसको कहते हैं, जो अपना पति को छोड़ करके पराई पुरुष के पास में जाएगा। लेकिन हमारा जो इंद्रिया क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमारा इंद्रिया भी विषय का तरफ में भागती है। अभी वैसा है, कोई कहते मेरे लिए बढ़िया साड़ी लाओ, कोई कहती है मेरे लिए गहना ले आओ। एक दिन उसने राज दरबार में डाकू डाला, बहुत कुछ पैसा को लूट लान कर लाया। वैसा उन्हें देखा सवेरे होते ही सीआईडी लग जाएंगे, अगर पकड़ा गया ना हम सबके सब जेल में चले जाएंगे। राता रात उसको मिल करके बुरी तरह से मुंह में अंगार डाल करके बुरी तरह से उसको मारे, गड्ढा खोद करके भाग गए। सवेरे पूछे पति कहाँ गया, बोले विदेश गया पैसा रोजगार करने के लिए।
अभी घर में ये प्रेत योनि को प्राप्त किया, जब गोकर्ण आया देखा प्रेत बना हुआ, बोले भैया तेरे नाम पर गया में मैंने पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप, इतने पाप किया, मेरे नाम पर एक बार पिंड क्यों, 100 बार पिंड भी दो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, सूर्य ने कहा केवल एक ही काम करो, ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, इसी सही केवल उनको मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने गांव में ये भागवत कथा रखवाए, 7 गांठ का एक बांस गाड़ दिए, पहला दिन में पहला गांठ, दूसरे में दूसरे, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। वैकुंठ से सुंदर विमान आया, बड़ा सुंदर भगवत हाँ वैकुंठ दूत बन करके जब प्रकट हुए और बैठ करके जब जा रहे थे, इतने में श्री गोकर्ण प्रश्न करता है, बोला आप कृपा करके बताओ। हाँ अभी ध्यान देकर सुने, बोले यहाँ तो बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन आप सभी के लिए एक एक रथ लाना चाहिए था, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए, सभी के लिए क्यों रथ नहीं लाए। विष्णु दूत कहते हैं बोले देखो देखने के लिए तो सब बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर कोई बैठे नहीं थे। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो, बोले बैठने पर थोड़ी हो जाएगी, मन देख रहे कोई कथा नहीं सुने हैं यहाँ पर, मन देख रहे कोई कथा नहीं सुने, इसने जैसे कथा सुनी है ऐसे कोई कथा सुने नहीं। बोले क्या कमी थी, बोले पहला कमी है बोले विश्वास गुरु बात के सो स्वस्मीन दिनत्व भावन, कहते पहला नंबर है तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए भागवत कथा से, अगर ये भावना आए, अरे पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए ना इसे गप्पे बना दिए, अरे भूत भूत किसने देखा है, ये सब बेकार बात है भूत भूत का, कहते यहाँ बैठने पर भी तुम्हें कथा सुनने का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला नंबर तुम्हारे विश्वास है नहीं। देखो एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, उसको एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कम से 25 साल लगता है कि नहीं, लेकिन वो बच्चा जब इतने पैसा खर्चा करता है, जब पेपर आए ना 15-15 घंटा 10-10 घंटा पागल जैसे रटता रहता है, और दूसरे दिन जाओ तो आज रात को सोता है नहीं, क्यों, विश्वास करके पढ़ता है ना, लेकिन कोई गारंटी नहीं, पता नहीं तुमको नौकरी मिलेगी कि नहीं, लेकिन उसको विश्वास करके पढ़ता तभी तो जाकर कोई नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद पैसा कमाता है, पैसा के बाद में क्या कोई सुखी, पूछ लो किसको पैसा पाकर कौन सुखी हो गया। इसलिए पहला होनी चाहिए विश्वास, ये सबसे बड़ी विश्वास भक्ति में सबसे श्रद्धा मूल है। हाँ देखो छोटी सी कहानी सुनो कैसे श्रद्धा होनी चाहिए विश्वास। एक समय कोई एक चेला था, रोज नदी पार करके गुरुजी के आश्रम में सेवा करने आता था, और रोज नदी पार करके वापस चले जाता था। एक दिन जन्माष्टमी आ गया, जन्माष्टमी में रात 12 बजे प्रभु जन्म लेते हैं, उन्होंने व्रत रखा, 12 बजे प्रभु की अभिषेक हुई, प्रसाद पाए, सेवा करके जब वापस जाएगा हो गया 2, बोले गुरुजी घर में जाऊंगा, बोले क्यों, आश्रम में आज सो जाओ कल चले जाना, बोले नहीं गुरुजी मेरे को घर में जाना पड़ेगा, बोले क्यों जाना पड़ेगा, बोले गुरुदेव जब मैं घर में जाता हूँ मैं आपको याद करता हूँ, कल गुरुजी की सेवा करना, ठाकुर जी के मंदिर में जाना, अगर मैं आपको पास में रहूंगा तो फिर मेरे बीवी बच्चों का याद आएगा, मेरी बीवी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आप बताओ सही क्या है, घर में रह कर के आपको चिंता कर सही, ना आपको पास में रह कर बीवी बच्चों को याद कर सही। बोले बात तो सही बता रहे हो, ठीक है तू घर में जा। बोले गुरुदेव कैसे जाऊं, बीच में नदी है, अभी जो केवट जो पार करता हूं तो सो गया, कैसे जाऊं। गुरुदेव ने कहा देख बेटा तेरे को एक मंत्र लिख करके देता हूं, उसको अच्छे तरह से हाथ में पकड़ना और नदी के ऊपर में पानी में चलते चलते पार हो जाओगे। बोले ऐसे मंत्र, बोले हाँ। गुरुदेव ने एक मंत्र लिख करके दे दिया और उसको पकड़ा, गुरुजी ने बोला पानी के ऊपर में चलते चलते चले जाएंगे, सचमुच से वो पानी के ऊपर में चलते 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 जा रहा था। पूछा भैया क्या गुरुजी मंत्र दिए जब मैं पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा हूँ, बड़ा उसका आश्चर्य लगा, करी करी नदी पार ही हो गया, सोचा भैया इसमें लिखा हुआ क्या तो देखूं, क्या लिखा गुरुदेव ने वो पेपर को खोला ना, उसमें ठाकुर जी के नाम लिखा हुआ था। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे कल जोर से बोलिए
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम लिखा हुआ था, अभी देखा बोले केवल हरे कृष्णा और कुछ है ही नहीं। देखो अभी विश्वास था ना, दृढ़ विश्वास पार हो रहा था, लेकिन जब मंत्र देख लिया बोले केवल ठाकुर का नाम और कुछ नहीं, बस झट वहीं पर डूब गया और डूब गया पानी में। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान का जो नाम है वाल्मीकि जैसे दसुर अपना करता। जब नारद जी बोले राम बोलो, उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, अगर उल्टा नाम जपत जग जाना। और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुजन मन माही। अगर प्रभु का उल्टा नाम लेते लेते दस्यु रत्नाकर अगर वाल्मीकि बन जाता है तो भगवान के नाम से क्या नहीं होता है। इसलिए बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। इसलिए जिन लोगों ने भगवान का नाम लिए सबके सब संसार से पार हो गए। इसलिए पहला नंबर है विश्वास होनी चाहिए भागवत ग्रंथ से, वेदों से। क्यों? कि जो भागवत है साक्षात भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी, ये भगवत प्रोक्तम इति भागवतम विश्वास। दूसरे जो गुण है स्वस्मिन दिनत्व भावनम, अपना अंदर में दीन भाव, दीनहीन भावना हो। हम सबसे छोटे हैं, सबका सम्मान दो, सबका समझे भगवान की संतान है, हम एक पिता की ही सबके सब संतान है, सभी के हृदय में ठाकुर जी की निवास है। इसलिए हर जीवों को भगवान के सेवक मान करके सबको सम्मान दो, सबका सम्मान दो, कभी अपने सम्मान की कोई भूखे न रहो। घास से भी दीनहीन बनो, पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए हैं, और एक मन से कथा सुननी चाहिए, मन को इधर उधर भटकानी नहीं चाहिए, तभी कथा सुनने का फल मिलेगा। इसलिए स्कंद पुराण में जो श्रोता है ना, दो तरह का श्रोता बताए। देखो अभी एक बात बताता हूँ, याद रखना, कल आप समय सुनूंगा, ठीक है। श्रोता दो तरह के है, एक अच्छे श्रोता और एक साधारण श्रोता। जो श्रेष्ठ श्रोता वो चार तरह के, कितने तरह के, कम से कम इतना मेरे को याद करके बताना, कितना तरह का, चार तरह का। पहला नंबर है हंस। अब हंस को दूध दो, देखना वो दूध दूध को तो ले लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। अच्छे श्रोता कौन है, जो जीवन में सार को ले और असार को छोड़ दे। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। अब देखना भले ही कांटा की पेड़ में कहीं फूल की नहीं हो, मधुमक्खी वहां भी बैठ जाता है और वहां से क्या लेता है, शहद लेकर के बड़े सुंदर छत्ता बनाता है। इसलिए हमें मधुमक्खी बननी चाहिए हर चीज से। हमें देखो एक मक्खी और एक मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है, वो गंदी चीज के ऊपर बैठता है और मधुमक्खी शहद लेता है और मक्खी। इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। दो नंबर है। तीसरा नंबर है चातक। ये एक चिड़िया होता है, वो किसी नदी का पानी पीता नहीं, किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। जब आकाश से बारिश ही होना, इसलिए हर समय कहता है प्यासा हम प्यासा हम प्यासा, मैं प्यासी हूँ मैं प्यासी हूँ, पानी पानी चित्कार करता रहता है। इसलिए वो जैसे स्वाधी नक्षत्र का पानी पीते हैं, श्रोता ऐसे होनी चाहिए। हम पान करेंगे तो केवल प्रभु की कथा पान करेंगे, इधर उधर गंदी चीज को हम पान नहीं करेंगे, केवल प्रभु की कथा पान करेंगे। कितने तरह के हुए, कितने तरह के होंगे, तीन। चौथा नंबर है मछली। मछली को देखना, उनका जो आंखों का जो पत्ता है ना पलक, वो कभी झपती है, वो ऐसे खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, एक मन से टक टक लगा करके, कथा की एक बात भी हमारी नहीं चुकनी चाहिए। क्योंकि ये चार तरह का श्रेष्ठ श्रोता है और चार तरह का कनिष्ठ साधारण श्रोता। पहला नंबर है भुरु। एक चिड़िया ये हिमालय पर्वत में रहता है, इसका एक स्वभाव है, आप इसको जैसे सुनाओगे ना वो ठीक वैसे आपको सुना देगा, लेकिन वो करते समय सबके से उल्टा करेगा। सुन भी लेगा, सुना भी लेगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी वो नहीं उतारता है, कहते ये भुरु। दूसरा कहते ये ऊंट। ऊंट को देखे होंगे,
ऊंट को कोई कोमल कमल आम की कोई बढ़िया बढ़िया पता तो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबलू का पेड़ कहां पर, किसमें कांटा हो, हैं किसमें कांटा हो उसको खाएगा, अपना मुंह से खून निकलेगा, सोचेगा तो बड़ा टेस्ट आ रहा है। इसका मतलब है जो प्रभु की कथा नहीं सुन करके इधर उधर की बात को सुनते हैं कहते वो ऊंट है। तीसरा नंबर है बेल। बेल को आप घास दो नहीं तो बढ़िया बढ़िया कोई फल दो, चीकू केले दो, उसके लिए दोनों ही बराबर है। इसका मतलब है जो व्यक्ति प्रभु की कथा और दुनिया की इधर उधर कथा दोनों को बराबर मानता है, अरे भगवान की कथा हो नहीं तो कोई दुनिया की इधर उधर कथा उसको बराबर मानते हैं, कभी ये सब बैल है। चौथा नंबर है भेड़िया। ये छोटा जाति के बाघ होता है। हिरण जब कोई सुलील शब्द हो वो कान खड़ा करके सुनता है, उसमें एकदम मुग्ध हो जाता है, उसी समय भेड़िया उसको ऊपर में आक्रमण करता है। मतलब क्या है, बोले ऐसे कुछ भक्त लोग है जो हिरण जैसे कथा सुनते कान खड़े करके, लेकिन कुछ भेड़िया होते हैं, भेड़िया मतलब जो कथा सुनते भी नहीं और पास में बैठने वाले व्यक्ति को भी कथा सुनने नहीं देते, बीच बीच में बिना कारण के तुम्हारे घर में क्या बना था, अरे उसका बेटी ऐसे कर रहा था, उसकी बहू ऐसे कर रही थी। हाँ देखो कथा सुनने का के नियम है, अब ध्यान देकर सुनो, कथा सुनने का के नियम है आप जिसको जानते हो ना उसको पास में मत बैठा करो, आप जिसको जानते हो उससे अलग होकर बैठो, नहीं तो आप कथा नहीं सुनोगे, बिना कारण की बात करते रहोगे। इसलिए चार तरह का कनिष्ठ श्रोता है। बोले कथा चार तरह का है, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसिक और एक निर्गुण। मतलब सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो नियम से कथा सुने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा बता से कोई मतलब नहीं, कहते ये सात्विक कथा। बोले राजसी की कथा क्या, ध्यान देकर सुने, राजसी कथा उससे कहते हैं बड़े ठाड़ बाड़ से कथा की आयोजन कराया, सारा दुनिया को लोगों को बुलाया कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आ गया, लेकिन खुद ऐसे बिजी हो गए कौन कहां पर रहा, चाय पानी मिला कि नहीं, कौन वो कथा में व्यवस्था में इतने बिजी रह गया, जो कथा सुनना था ना वो कथा ही छूट गई, वो कथा ही छूट गई और दूसरे चीज में लग गए। कहती ये कथा नहीं, कहती ये राजसी कथा है, ये राजसी कथा है। इसलिए कथा में मूल है कथा बैठ करके सुना सबसे बड़ा चीज। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परिकित को कथा सुनाए उनने क्या किया था, केवल बैठ करके कथा सुने थे ना, और कुछ कर रहे थे, और कुछ काम कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, वो सारे काम को सुन करके सामने बैठ करके ये कथा ही सुन रहे थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहां पर बैठो कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाएगी तुम भगवत प्राप्त नहीं कर गए तब तक तुमको नहीं छोड़ूंगा। और कथा समाप्त हुई, गोलोक वृंदावन से रथ आया, परिकित महाराज बैठ सीधा गोलोक वृंदावन चले गए, हैं गोलोक वृंदावन चले गए। इसलिए कथा होते समय सारे काम को पहले कर लो, जब कथा हो सारे काम पहले हो जानी चाहिए, जब कथा शुरू हो जाए बास बैठ करके कथा सुनो। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म सुनिष्ठित पुंसांग विश्व सेन कथा सूचो न उत्पादित यदि रति श्रम एवही कपल। सारे काम को धूमधाम कर रहे हो लेकिन भगवान कथा में तुम्हारी रति नहीं, बोले सब जीरो है, श्रम एवही कपल सब बेकार तुम्हारी, लेकिन अगर कथा में तुम्हारी रुचि हो गई बास तुम्हारे सारे काम हो गए, क्योंकि जो ज्ञान मिलती है कथा में ही ज्ञान मिलती है, तभी तो परिकित महाराज भगवत धाम को प्राप्त की ना, क्यों उनने कथा एक मन से कथा सुनी। इसलिए ये कथा को राजसी कथा कहते हैं। कहते तामसी कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन कथा हुई, सात दिन कथा में कभी इच्छा हो गया तो बैठ गए, मन नहीं लगा एक चक्कर घूम घाम करके आ गए, नहीं तो कथा को बीच में आए, नहीं तो कथा को लास्ट में आए, किसी तरह से सात दिन को बिताना, कभी ये तामसी कथा, ये कथा कथा नहीं। इसलिए कथा का मूल है एक मन से कथा, हमें एक मन से कथा सारे काम को छोड़ करके, क्यों मूल है भागवत कथा, और जितने सारे आयोजन किसके लिए, कथा के लिए ना, अगर कथा तुम्हारी छूट गई तुम दूसरे दूसरे चीजों में बिजी हो गए फिर कथा की क्या महत्व होगी। इसलिए जब कथा होने से पहले करो, लेकिन कथा होने से पहले सारे काम हमारी समाप्त हो जाए, चले कथा हो गई शुरू हो गई सारे काम को छोड़ो और कथा में बैठो, हैं।
इसलिए ऐसे कथा होनी चाहिए। इसलिए जब श्री विष्णु दूतों ने इस सब बात को बताया, बोले देखो यहाँ पर तो बहुत लोग थे, कथा तो सुन रहे थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति कथा सुनी। कौन है? कदि ये धुंधुकारी नहीं, एक मन से कथा सुनी, इसलिए केवल एक रथ आया। इसलिए और किसको पास में रथ नहीं आया, क्यों? जो सुन रहे थे वो एक मन से कथा नहीं सुन रहे थे। गोकर्ण ने कहा तुम लोगों ने सुन लिए कथा, तो हम लोगों ने बैठे सुने, लेकिन हमको फल नहीं मिला। क्यों नहीं फल मिला? हमने कथा ठीक से नहीं सुने। कल से फिर दोबारा मैं कथा करूंगा, सारे काम को छोड़कर कथा में बैठना। केवल 7 दिन है और ज्यादा दिन नहीं। अगर 7 दिन हम भी कथा सुनेंगे, हम भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर प्रभु के पास में जाएंगे। इसलिए कल से दोबारा कथा सुनूंगा। बस दूसरे दिन जब कथा की, सबके सब कथा से पहले आए, एक मन से एक आसन पर बैठ करके सबके सब एक मन से कथा सुने, और जब कथा समाप्त हो गई ना, वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए गोलोक वृंदावन से सभी के लिए रथ आया, और सबके सब रथ में बैठे, और जो गोकर्ण था उसको विशेष स्वागत किया। बोले क्यों? बोले इनकी कृपा से ही इतने जीवों को भगवत गति प्राप्त हुई है, भगवत प्राप्त हुई। सबके सब सम्मान करते हुए सबको उन्होंने अपना गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में चले गए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृत की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी, हम कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, फिर कल से अपना टाइम से प्रेमर कथा में बैठे कथा सुनेंगे। ठीक है, देखो भागवत कथा इतना है ना, पहले पहले कथा कैसे होती थी, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, और बीच में भजन कीर्तन नहीं था, किसी तरह से तो भागवत किसी तरह से खत्म होती थी। अभी हम 3 घंटा कथा सुनते हैं, लेकिन बैठे जाओ करके 2 घंटा से कथा सुने, फिर बीच बीच में भजन कीर्तन होंगे। इसलिए कथा पहले केवल 4-4 बार सवेरे 4 घंटा शाम को 4, किसी तरह से कथा खत्म होती थी। इसलिए तब भी हम कोशिश करेंगे 7 दिन के अंदर में जितने हो सके, जितने हमने साधु संत से सुने हैं, तब भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। अभी आप लोग सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे और सबके सब भगवान के भजन में नाचने का, ठीक है ना? जिन लोगों ने नहीं नाचे हो सबके सब नाचने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरि कानाथ जीवन मन I got it.
Yeah.
Yeah.